दोस्तों क्या आपको पता चला मारुति और टोयोटा का एक नया प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है जो कि एक एमपीवी के रूप में लॉन्च किया गया है। देखने में दोनों ही कारें काफी जबरदस्त है। सस्ते दामों में आपको एक 7-सीटर कार मिल रहा है तो और क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप मारुति सुजुकी अर्टिगा को जो खरीदते आ रहे थे वो मारुति की तरफ से मिल रहा था जो कि एरिना के अंदर रखा गया था, लेकिन अब आपको टोयोटा का अर्टिगा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम रखा गया है टोयोटा रोमियो। इस एमपीवी कार को साउथ अफ्रीका के मार्केट में 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया था जो कि देखने में बिल्कुल अर्टिगा बेस्ड रोमियन को रखा गया है। देखने में दोनों ही कारें एक है। जैसे कि अभी तक आप मारुति और टोयोटा की कारों को देखते हुए आ रहे हो, जैसे बलिनो आपने देखा, ग्लेंजा देखा, बलिनो का जो दूसरा हमशक्ल था ग्लेंजा उसको देखा, तो सेम उसी तरीके से आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा जो है टोयोटा रोमियो देखने को मिलेगा। दोनों सेम सा रखा गया है। अगर आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा के सामने ज्यादा वेटिंग देखने को मिलता है तो आप टोयोटा की तरफ आराम से आ सकते हैं। अगर टोयोटा की तरफ ज्यादा वेटिंग देखने को मिला है तो आप आराम से मारुति सुजुकी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, इसके डिटेल रिव्यू जानेंगे। आज देखेंगे किसके अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेगा, क्या शक्ल मिलती है तो क्या अंदर के फीचर्स भी सेम है, और फीचर्स सेम है तो क्या इंजन भी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम सा देखने को मिलता है। चलिए डिटेल में रिव्यू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके, और आप इस ऑटोविल चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो जो कि एक अर्टिगा पर बेस्ड होने वाली है, और इस एमपीवी का नाम इंडियन मार्केट में रोमियो रखा गया है। हालांकि इस एमपीवी का तो आज के वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि एक नए रोमियो उतारा गया है, हालांकि कितना प्राइस रखा गया है, अर्टिगा को पहले से देखते हुए आ रहे हो तो दोनों गाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज है एक जैसा रखा गया है, लेकिन डिजाइन में दोनों गाड़ियां काफी अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस को लेकर, कौन से वेरियंट पे कितना प्राइस रखा गया है, कौन से वेरियंट को हम अर्टिगा से कॉम्पेरिजन करने वाले हैं तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले टोयोटा रोमियो की जो बेस मॉडल की प्राइस रखी गई है वो रखा गया S10.29 लाख रुपीज के करीब। टोयोटा रोमियो के अंदर पूरे तीन मॉडल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, SGB जिसके अंदर S के साथ CNG ऑप्शन देखने को मिलेगा, G के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और V के साथ भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर टोयोटा रोमियो के अंदर CNG मॉडल चाहिए तो वो बेस मॉडल के साथ ही CNG का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग प्राइस किया गया है टोयोटा रोमियो के, यानी बेस मॉडल का प्राइस रखा गया है 10,29,000 रुपये के करीब, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप मारुति सुजुकी अर्टिगा की तरफ देखें तो उसका जो सबसे बेस मॉडल है LXi मॉडल ऑफिशियल जो कि रखा गया है 8.64 लाख रुपीज के करीब। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए का डिफरेंट दोनों गाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा है बेस मॉडल से ही। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर भी आपको तीन मॉडल का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि रहता है LXi, दूसरा रहता है VXi और तीसरा रहता है ZXi मॉडल। तीनों पेट्रोल मॉडल के साथ आती है, लेकिन अगर आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा के CNG मॉडल खरीदना है तो VXi के साथ आपको CNG मॉडल देखने को मिलेगा और ZXi के साथ CNG मॉडल ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको इनकी कोई भी प्राइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को लेकर बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों का डायमेंशंस देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार आपके सामने खुलासा कर देता हूँ डायमेंशंस को लेकर। तो जो मारुति सुजुकी अर्टिगा का जो लेंथ रखा गया है वो रखा गया 43.95 mm के करीब, लेकिन टोयोटा रोमियो का जो लेंथ रखा गया है 44.20 mm के करीब रखा गया है। तो यहाँ पे लेंथ में आपको टोयोटा रोमियो थोड़ी सी दबती हुई नजर आएगी, लेकिन वहीं अगर ब्रीथ की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर आपको ब्रीथ में 1735 mm के करीब देखने को मिलेगा, और सामने टोयोटा रोमियो का ब्रीथ देखें तो 1735 mm के करीब आपको यहाँ पे ब्रीथ देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मारुति सुजुकी अर्टिगा की हाइट देखते हैं तो 1690 mm के करीब रखा गया, और सामने रोमियो का भी हाइट लगभग सेम रखा गया, यानी 1690 mm के करीब आपको सेम हाइट देखने को मिलता है। बिलवेस की बात करूं तो दोनों गाड़ियों का बिलवेस भी लगभग सेम रखा गया है, थोड़ा सा लेंथ में ही आपको दोनों गाड़ियों के बीच डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है दोनों गाड़ियों के माइलेज और इंजन को लेकर, दोनों गाड़ियों के अंदर आपको इंजन क्या आपको सेम देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, दोनों गाड़ियां आपको पेट्रोल मॉडल के साथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इंजन की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ, और ये इंजन आपको 101 bhp के करीब पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो क्या माइलेज भी सेम देगी, ये भी बात सामने निकल कर आता है। लेकिन उससे पहले दोनों गाड़ियां आपको 5-सीट मैनुअल के साथ देखने को मिलेगी, और 2-व्हील ड्राइव के साथ दोनों गाड़ियों को रखा गया है। वहीं अगर माइलेज को लेकर बात करते हैं तो मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर माइलेज में आपको 20.51 kmpl के करीब देखने को मिलेगा, जबकि टोयोटा रोमियो के अंदर 21 kmpl के करीब माइलेज देखने को मिल जाता है।
तो दोनों गाड़ियों की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर कि आप गाड़ी को किस तरीके से आप ड्राइव करते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो दोनों गाड़ियां काफी कमाल का रखा गया है। दोनों गाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज रखा गया है सेम रखा गया है, लेकिन डिजाइन में दोनों गाड़ियां काफी अलग है। फ्रंट से देखोगे तो टोयोटा रोमियोन का लुक काफी अच्छा खासा रखा गया है, हालांकि मारुति सुजुकी अर्टिगा का भी लुक काफी कमाल का रखा गया है, लेकिन हम उसको काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं तो मारुति सुजुकी का जो लुक है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, लेकिन टोयोटा रोमियोन का लुक एक उभर कर आता है। अगर आप एक एमपीवी लेने की प्लानिंग में कर रहे हैं तो आप टोयोटा रोमियोन की तरफ एक बार जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर फीचर्स की बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो दोनों गाड़ियों के अंदर लुक को छोड़कर बाकी दोनों गाड़ियों का बॉडी जो लैंग्वेज रखा गया सेम रखा गया। फ्रंट में आपको वही डिजाइन देखने को मिलेगा, बीच में आपको सुजुकी का लोगो और सामने टोयोटा का भी लोगो देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में अपना अपना लोगो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर लाइटिंग सेटअप भी सेम रखा गया है। अगर आप साइड प्रोफाइल पे चलोगे तो वहां पे आपको बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वहीं अगर एलॉय व्हील्स पे नजर डालोगे तो अगर बेस मॉडल के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको स्टील व्हील देखने को मिलेगा। अगर आप इसके टॉप मॉडल का खरीदते हो तो उसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। अगर एलॉय व्हील्स की बात करूं तो R15 इंच के करीब आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टायर में 185 और 65 की टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। दोनों गाड़ियों के अंदर सेम रखा गया है, ट्यूबलेस टायर दिया जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर, और काफ़ी अच्छा खासा दोनों गाड़ियां लुक्स वाइज में देखने को मिल जाता है। अगर वहीं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर फीचर्स की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो वहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर पावर स्टेयरिंग दिया जाता है, टिल्ट रहेगा दोनों गाड़ियों के स्टेयरिंग, पावर विंडो दिया जाता है फ्रंट में, पावर विंडो आपको रेयर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो दोनों गाड़ियों के तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनर फीचर्स देखने को मिल जाता है, हीटर भी दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है, बेस मॉडल में ही सारे फीचर्स अवेलेबल है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग दिया गया है, कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको टोयोटा रोमियोन के अंदर दिया जाता है बेस मॉडल में, लेकिन मारुति सुजुकी अर्टिगा के बेस मॉडल में कीलेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो बेस मॉडल से ही दोनों गाड़ियों के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है, ब्रेक असिस्टेंट दिया जाता है, सेंट्रल लॉकिंग दिया जाता है, पावर डोर लॉक्स जैसे बेहतरीन फीचर्स भी दिया जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन फीचर्स भी दोनों गाड़ियों के अंदर शामिल है। लेकिन एंटी थेप अलार्म सिस्टम आपको टोयोटा रोमियोन के अंदर दिया जाता है, लेकिन मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर इस फीचर्स को हाइड रखा गया है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको दो एयरबैग दिए जाते हैं। अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो टोयोटा रोमियोन के अंदर भी आपको बेस मॉडल में दो एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर भी आपको पूरे दो एयरबैग के ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग शामिल है, और पीछे आपको किसी तरीके का एयरबैग ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये जान लीजिए मारुति सुजुकी अर्टिगा में जो बेस मॉडल में 864,000 रुपये में जो मिलता है आपको टोयोटा रोमियोन के 1,29,000 में भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा के बेस मॉडल में एडजस्टेबल सीट दिया जाता है, जो कि टोयोटा रोमियोन के अंदर इस फीचर्स को हाइड रखा गया है। साथ में मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर क्रूज कंट्रोल, ईवीडी जैसे बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको टोयोटा रोमियोन के अंदर इन दोनों फीचर्स को हाइड रखा गया है। क्रूज कंट्रोल और ईवीडी का भी ऑप्शन टोयोटा रोमियोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कई बेहतरीन फीचर्स शामिल है। अगर आप दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको टोयोटा की रोमियोन पसंद है या फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा पसंद है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर मेरी सजेशन मानो तो आप टोयोटा रोमियोन को छोड़कर मारुति सुजुकी अर्टिगा के साथ जा सकते हैं अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो, लेकिन टोयोटा रोमियोन के अगर टॉप मॉडल खरीदते हो तो उस पे आप टोयोटा रोमियोन पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो टोयोटा अर्टिगा के खरीद सकते हो, क्योंकि टोयोटा रोमियोन के तुलना में मारुति सुजुकी अर्टिगा के बेस मॉडल में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2,00,000 रुपए की बचत हो रही है। तो दोस्तों, आपको दोनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई सी भी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी तरीके का कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो आप अपने तरफ से लाइक भी जरूर करना।